हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आई जाने मध्य प्रदेश CPCT अर्थात कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा की वैधता सरकार ने 2 वर्ष के बजाय 4 वर्ष कर दी है। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती सहित अन्य संविदा भर्ती के लिए अति आवश्यक CPCT बहुत ज़रूरी है। इसकी वैधता 4 वर्ष करना लाखों आवेदकों को इसमें फ़ायदा होगा। जान लेते हैं पूरी खबर। 21 जून 2019 का अपडेट है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं खबर पूरी विस्तार से। CPCT प्रमाण पत्र की वैधता अवधि अब 2 के बजाय 4 साल होगी। नौकरी पाने वाले बेरोजगारों, संविदा दैनिक वेतन भोगियों, कर्मचारियों, अनुकंपा नियुक्ति के लाखों आवेदकों को होगा फायदा। CPCT स्कोर कार्ड की वैधता अवधि में परिवर्तन। 20 जून 2019 को यह अपडेट आया है, देख लेते हैं। मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय ने राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में विभिन्न पदों पर संविदा नियमित नियुक्तियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर क्षेत्र में दक्षता के प्रमाणीकरण हेतु कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा, जिसे कंप्यूटर प्रोफेशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट अर्थात CPCT कहा जाता है, उसके संबंध में निर्देश जारी किए हैं कि उक्त निर्देश की खंडिका 5 में कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा अर्थात CPCT के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि जो 2 वर्ष निर्धारित की गई है, उसे अब बढ़ाकर राज्य शासन एतद् द्वारा कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 2 वर्ष के बजाय 4 वर्ष निर्धारित की जाती है। यह व्यवस्था आदेश जारी होने के दिनांक के पश्चात आयोजित होने वाली परीक्षाओं के प्रमाण पत्रों पर लागू होगी। बहुत अच्छी खबर है। जितने भी मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा साथी हैं, चाहे फिर महिला, उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि CPCT हर जगह मांगा जाता है। इसमें कंप्यूटर तथा टाइपिंग से संबंधित टेस्ट होते हैं, और यह टेस्ट अगर आपने पास कर दिया है तो आपको यह प्रमाण पत्र परीक्षाओं में लगता है, जिसके कारण आपको बोनस अंक दिया जाता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। यह बहुत ही अति आवश्यक परीक्षा है, जो सरकार ने इसकी वैधता 2 वर्ष की बजाय 4 साल करके बेरोजगार युवाओं को एक ऑफर दिया है, ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा इन भर्तियों में जा सके। आधिकारिक महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि बुधवार को ही जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा को CPCT प्रमाण पत्र की वैधता अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा था। इससे पहले 4 साल में 5 बार ज्ञापन सौंपा जा चुका था। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा साल में 3 बार यह परीक्षा ली जाती। इसमें एक बार में करीब 1,25,000 परीक्षार्थी शामिल होते थे, और 3 बार के हिसाब से लगभग 4.25 लाख परीक्षार्थी शामिल होते थे। और इन परीक्षार्थियों के लिए अब खुशी की बात है कि अब इन्हें अगले 4 साल तक यह परीक्षा नहीं देनी होगी, और ना ही इनके ऊपर पैसों का खर्च बैठेगा, क्योंकि इसकी जो वैधता है अब 4 साल कर दिए सरकार ने, तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। अभी अगस्त या जुलाई में बहुत सारी वैकेंसी निकलने वाली है, पटवारी की, पुलिस की, और जितने भी आंगनवाड़ी, इन सब में आपको CPCT की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर पटवारी में CPCT की ज़रूरत पड़ती है, तो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा यह 4 वर्ष CPCT करना। तो इस प्रकार से जानकारी थी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए YouTube चैनल मोर क्रिएटिव रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।